फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टाइल विद अस। आज मैं आपको बताऊंगी स्लीव्स का बहुत ही ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन डोरी लूप्स के साथ। तो इस तरह से मैंने अपने सिंपल स्लीव्स को कट कर लिया है। अगर अभी तक आपने हमारे सिंपल स्लीव्स की कटिंग और स्टिचिंग वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर जो आई बटन दिया है उसमें जाके क्लिक कर लें। मेरी स्लीव्स की फुल लेंथ है 12 इंच। तो ऊपर और नीचे सिलाई लगाने के बाद मेरी स्लीव्स तैयार हो जाएगी 11 इंच पर। तो सेम इसी तरह से 12 इंच लंबा मैंने न्यूज़पेपर कट कर लिया है और जिसकी चौड़ाई मैंने ली है 3.5 इंच। और इस तरह से न्यूज़पेपर का सेंटर लेते हुए 1.5 इंच का हमने इसमें गैप दे दिया है जिसमें हम अपना डिज़ाइन बनाएंगे। तो सबसे पहले अपनी स्लीव्स को इस तरह खोलते हुए इसे सेंटर से कट कर लेते हैं। अब हम अपना डिज़ाइन तैयार करेंगे। तो डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने इस तरह से 3-3 इंच लंबी लूप्स तैयार कर लिए हैं। अगर अभी तक आपने हमारी डोरी की वीडियो नहीं देखी है तो डोरी की वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दी है, आप वहां से जाकर इसे चेक कर सकते हो। अब हम इन लूप्स को इस तरह से फोल्ड करते हुए न्यूज़पेपर की एक साइड इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। एक साइड स्टिच करने के बाद लूप्स का इस तरह से डिज़ाइन बनाते हुए लूप्स को सेम इसी तरह से दूसरी साइड भी स्टिच कर लेंगे। तो चलिए इसी तरह से लूप्स का डिज़ाइन बनाते हुए इन पूरे लूप्स को न्यूज़पेपर में स्टिच कर लेते हैं। अब हम अपनी लूप्स में इतना इतना गैप देते हुए इन लूप्स को न्यूज़पेपर में स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से एक साइड लूप्स लगाकर मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है। अब हम दूसरी साइड इन लूप्स का इस तरह से डिज़ाइन बनाकर दूसरी साइड भी इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। इस तरह से तो हम इसी तरह से अब दूसरी साइड को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने अपने डिज़ाइन को कंप्लीट कर लिया है और डिज़ाइन की दोनों साइड स्केल की मदद से इसमें निशान लगा लिए हैं जिसमें हम स्लीव्स जोड़ेंगे।
और ये मेरी स्लीव्स की रॉन्ग साइड है। अब हम इस वाले पल्ले को इस तरह रखते हुए इसमें सिलाई लगा लेंगे। इस साइड सिलाई लगाने के बाद कपड़े को इस तरह फोल्ड करते हुए इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेंगे। इस साइड सिलाई लगाने के बाद स्लीव्स के दूसरे पल्ले को सेम इसी तरह से इसके ऊपर रखेंगे और इसमें भी सिलाई लगाकर और इस तरह से स्लीव्स को फोल्ड करते हुए इसके ऊपर भी टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो चलिए इसी तरह से सिलाई लगाकर स्लीव्स को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर नीचे से हम स्लीव्स को फोल्ड भी कर लेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी स्लीव्स को नीचे की साइड से हाफ इंच फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से दोनों साइड सिलाई लगाने के बाद हमारे ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। अब हम इस न्यूज़पेपर को भी निकाल लेंगे और ऊपर की साइड इस तरह की पट्टी जोड़कर इस स्लीव्स को शोल्डर के साथ ज्वाइंट कर लेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।